humble yourself before the Lord and He will lift you at the right time. In three ways, God answers your prayer. He says yes and gives you what you want. He says no and gives you better. And He says wait and gives you the best in His time. सबको जय मसीह की बॉर्न टू विन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं पास्टर राकेश पॉल तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ आपके सारे प्रेम के लिए, उत्साहपूर्वक शब्दों के लिए, ईमेल्स के लिए, व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपने जो यूट्यूब में जो कमेंट्स डाला है कि किस प्रकार प्रभु आपके जीवन को बदला है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। भारतवर्ष से अनेक शहरों से और विदेशों से लोग जो है फोन करते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, उसके बाद बताने के लिए कि कैसे बॉर्न टू विन कार्यक्रम उनके जीवन को प्रभावित किया है सकारात्मक रूप से और वचन को सिखाया है। और आपने मुझे ये बताया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके हर एक शब्द जो है महत्वपूर्ण है और हमें ऊर्जा देती है कि हम इस कार्यक्रम को लगातार जो है प्रसारित करें। आइए इससे पहले कि हम वचन को पढ़े, बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे। मेरे साथ बोलिए, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिहेवियर दैट बिल्ड्स रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी से रिश्ता तोड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको टाइम, मनी, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे आपने एक पौधा लगाया और पौधा को ऐसे ही छोड़ देंगे तो पौधा कुछ समय में मर जाएगा। उसको, उसकी मिट्टी को क्लीन करनी पड़ती है, पानी डालना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा उसके साथ, तब ये पौधा बढ़ेगा और फल लेकर आएगा। उसी प्रकार होता है रिलेशनशिप। हम कैसे परिवार में रहे, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हम कैसे कलीसिया में रहे, हम कैसे समाज में रहे, हम कैसे अपने देश में प्रभाव ला सके, ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप में कैसे आचरण रखते हैं। हमें और आपको अपने बिहेवियर में आगे बढ़ना है। बिहेवियर दैट बिल्ड्स रिलेशनशिप, यही हमारा टॉपिक है। बिहेवियर का मतलब होता है हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द पीपल। आप अपने आप को लोगों के सामने कैसे पेश कर करते हैं। बिहेवियर और मैनर्स जो है ये हम लोग सीख सकते हैं। जैसे झारखंड में एक प्रकार से जो है जो बोली जाती है, बोलचाल की भाषा है, उसको आप समझ लेंगे कि ये झारखंड का है। बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, ए बाबू बैठा है, एक गाते हुए अलग प्रकार से है। मैं एक बार ब्राज़ील जा रहा था और काफ़ी लंबी फ्लाइट थी, लगभग 14 घंटे की फ्लाइट थी, और मैं देखा था काफ़ी थक गया था मैं और किसी से बात करने का मन कर रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ से दूरी पर जहाँ वॉशरूम वगैरह होते हैं तो वहाँ पर स्पेस है वहाँ पर, और दो तीन बंदे खड़े हैं और वो इस प्रकार के खड़े थे, इस प्रकार से खड़े थे, तो मैं समझ गया हूँ पक्का ये बिहार के होंगे क्योंकि एक मैनर, एक बिहेवियर आपको पता चलता है कि वो कहाँ से है। तो मैं उनके पास गया, मैंने पूछा कि आप बिहार से? बोले हाँ। आपको कैसे मालूम चला? तो बोले कि नहीं, वो आप इस प्रकार से खड़े हैं तो आपका खड़े रहने का तरीके से पता चल रहा था कि आप शायद इस पर्टिकुलर जगह से हो सकते हैं। तो बिहेवियर और मैनर जो है वो आप सीख सकते हैं। जब मैं विदेशों में जाता हूँ तो वहाँ कांटा, चम्मच और नाइफ दिया जाता है, तो उसको मैंने सीखा कि कैसे उसे खाया जाता है, क्योंकि भारत में हम लोग हाथ से खाना खाते हैं, तो ये सब सीखना पड़ता है। उसी प्रकार जिस प्रकार आप आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, जब आप एक पति बनते हैं तो हो सकता है आप एक साल के पति हो या 5 साल के पति हो, तो आप एक बिल्कुल नए पति है, यानी कि आपको सीखना पड़ेगा एक पति कैसे होना चाहिए,
एक पत्नी कैसे होना चाहिए, एक बेटी कैसे होने चाहिए परिवार में, और एक बेटा का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक पिता का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो ये सिर्फ सीखने वाली बात है, और जब इस बिहेवियर को आप सीखेंगे, हम सीखेंगे, तभी हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा हमारे परिवार में और हमारे कलीसिया में। और हम लोग जो है वचन के अनुसार वन बॉडी और वन फैमिली है, एक परिवार है, कलीसिया जो है एक परिवार है। तो इसमें सीखने की जरूरत है। लेकिन कई बार जो कुछ हमने सीखा है और वह गलत है तो उसे छोड़ने की जरूरत है। कई बार आप को कुछ लोग मिलेंगे ऐसे कहते हैं, अरे हम कह रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा, हम कह रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं तो सब कुछ सही हो सकता है, ऐसा नहीं है, आप भी गलत हो सकते हैं। किस प्रकार हम अपने शब्दों को इस्तेमाल करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार हम दूसरों के साथ आचरण अपना दिखाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और वही रिश्ता को बनाकर रखता है। परिवार में कई बार खटास इसलिए आती है कि हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का चुनाव ठीक नहीं होता है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं होता है। बाइबल में जो है कुछ एडवाइस है, कुछ कमांडमेंट्स है, कुछ आज्ञा है जो हमें इफिसियो 4 अध्याय और उसके 25 से 32 पद में मिलता है कि क्या क्या हमें सीखना चाहिए जो हमारा आचरण को बदले ताकि हमारा रिलेशनशिप परिवार में, समाज में, कलीसिया में अच्छा हो। सो लेट्स लर्न टुगेदर, आइए हम लोग सीखते हैं। इफिसियो 4 अध्याय और उसका 25 पद में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। सबसे पहली बात, स्पीक द ट्रूथ इन लव, प्रेम पूर्वक सच बोले। सच जो है झगड़ा करने के लिए नहीं बोले, सच जो है नीचे दूसरे को नीचे गिराने के लिए नहीं बोले, सच जो है करेक्शंस के लिए बोल सकते हैं, सच जो है आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं। लिखा, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। कई बार हो सकता है हम अपने पड़ोसी यानी कि पड़ोस में रहने वाला या वाली उससे सच बोलते हैं, उनके लिए घर वालों से झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। आपका पड़ोसी वही है जो आपके नेक्स्ट है, जो आपके निकट है। डू नॉट स्पीक बटविंग और टू गेट फेवर, डू नॉट स्पीक ट्रूथ टू गेट फेवर। इंटेंशन होना चाहिए आपका, अब वो इंटेंशन ये होना चाहिए कि शायद उसे करेक्शन करने के लिए, शायद उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आपको सोचना चाहिए कि आप क्यों बोल रहे हैं। अगर सच भी बोल रहे हैं तो झगड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो प्रेम पूर्वक सच बोलना है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है एक दूसरे के अंग है, ऐसा लिखा है कि क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। तोड़ने के लिए नहीं बोलना है, हमें जोड़ने के लिए बोलना है। सो बहुत अच्छी बात है, पौलुस हमें सिखाता है, स्पीक द ट्रूथ इन लव। एंड द नेक्स्ट थिंग, नंबर सेकंड, व्हाट शुड वी चेंज इन आवर बिहेवियर टू कीप द रिलेशनशिप वेल। सेकंड वन इज, डोंट होल्ड ऑन टू एंगर। आप जो है हमेशा गुस्साए हुए मत ना रहे, क्रोधित ना रहे। 26 और 27 पद में लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। कन्फ्रंट द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन। हम समस्या का सामना करें, व्यक्ति का सामना ना करें। समस्या को टारगेट करें, व्यक्ति को टारगेट ना करें। कई बार हम परिवार में या कलीसिया में या जब दूसरों से बात करते हैं तो हम व्यक्ति को टारगेट करने लगते हैं। नहीं, आप व्यक्ति को टारगेट ना करें। अगर कोई एक कप चाय लेकर आ रहा है या आ रही है, उसने वो कप गिरा दिया, तो जो समस्या है उस पर बात करें। अरे तुमने चाय गिरा दिया, ये ठीक नहीं है। ये ना बोले तुम ऐसे ही हो, अंधे हो क्या तुम, बेकार हो, तुमने कभी लाइफ में कुछ नहीं किया है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर समस्या के विषय में बात करें, तुम्हारे इस डिसीजन के कारण आज हमें परेशानी हो रही है,
उस व्यक्ति के सारे अवगुणों को उस समय उसको ना बताए। तुम हमेशा मेरी बात नहीं सुनती हो, कभी बात नहीं सुनती हो, तो हमेशा ऐसे करती हो, हमेशा ऐसा करते हो, ये गलत है। इससे क्या हो रहा है कि हम उस व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है जो हमें सिखाया कि क्रोध तक करो लेकिन पाप मत करो। हम क्या करते हैं, पाप करने लगते हैं, उसके बाद मार पीट, दंगा फसाद, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, कोशिश करें उसी दिन समाप्त कर ले। खासकर परिवार में अगर कुछ हुआ है तो उसी दिन समाप्त कर ले, उसको कैरी करके दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथा दिन ना ले जाए। इससे क्या होगा कि हम शैतान को अवसर देते हैं। इसलिए लिखा है और शैतान ना शैतान को अवसर दो। ये लिखने का क्या जो होता है, क्योंकि शैतान जो है इन घटनाओं को, इन समस्याओं को, इन समयों को, इन परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन शैतान को मौका मत दो, अवसर मत दो। माफ करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है हमें आगे लेके जाएगा। अरे तुमने मुझे उतने साल पहले ऐसा कहा था, कई बार हम लोग 10 साल पहले ऐसा कहा था, उसको आज भी याद कर करके, जिसने कुछ कहा था, गाली दिया था, वो भूल भी गया होगा, लेकिन हम उसके गाली को याद करके अभी तक अपने आप को परेशान कर रहे हैं। तुमने मेरे लिए ऐसा नहीं किया था, उसको याद कर करके अभी भी अपने आप को परेशान कर रहे हैं। आस्क फॉरगिवनेस फॉर सेम डे, फिनिश द मैटर। जो माफ जो हम लोग करते हैं ना, वो दूसरों के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं। फॉरगिवनेस ब्रिंग्स हीलिंग, फॉरगिवनेस ब्रिंग्स ग्रोथ इन द लाइफ। माफ करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन समस्याओं को पकड़े रहेंगे तो आप वहीं पीछे छूट जाएंगे, उसी में फंस जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बांध के रख देती है, आप और कुछ नहीं सोचते। मान लीजिए आपने एक सिक्का लिया, ये सिक्का आपसे दूर है, आप क्या देख रहे हैं, सिक्का को भी देख रहे हैं या सारी चीजों को देख रहे हैं, लेकिन जब जब वो आपके नजदीक आ गया तो क्या हो गया, आप कुछ नहीं देख पाते, सिर्फ सिक्का देख पा रहे। इसलिए गुस्साए मत रहे, क्रोधित मत रहे, अपने क्रोध को शांत रखें। ये एक दूसरा बिहेवियर जो हमें सीखना है, जो हमारे रिलेशनशिप को मजबूत करता है। शैतान इसी प्रकार से मौका खोज रहा है कि किस प्रकार से हमें नाश कर दे, हमारे बीच में बंटवारा लाए, हमें अलग कर दे, हमें बर्बाद कर दे, और ये सब का जड़ हो जाता है कभी कभी क्रोध। तीसरी चीज जो है यहाँ पे हमें शिक्षा दी गई है कि कैसे अपने बिहेवियर में हमें बदलाव लाना है जो हमारे रिलेशनशिप को मजबूत रखता है। 28 पद में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। वर्क फॉर योर लिविंग, द थर्ड थिंग इज वर्क फॉर योर लिविंग। डोंट वर्क ओनली ऑन द सोशल मीडिया में अपना फोटो डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और कुछ नहीं कर रहे हैं, बट अर्न मनी। बाइबल शिक्षा देती है पैसे कमाइए। लिखा है कि इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो, जिसे जरूरत हो, उसके पास आपको देने के लिए कुछ हो। लेने से देना भला है, उत्तम है, लेकिन आपके पास होगा तभी तो आप देंगे, कुछ है ही नहीं तो देंगे कैसे। सो बाइबल हमें शिक्षा देती है कि एक परिवार में आप अच्छा से रहना चाहते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, वर्क फॉर योर लिविंग। जो लोग काम करते हैं उसका इज्जत रहता है, जो काम नहीं करते उसे लोग निठल्ला, धरती का बोझ कहते हैं। आप क्या कहलाते हैं परिवार में? अरे भाई आपकी एक नौकरी चली गई है, आप बड़े काम करते थे, छोड़ दीजिए, कोई बात, छोटा काम स्टार्ट कीजिए, कुछ तो कीजिए। सब व्यक्ति आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स नहीं बन पाएंगे, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 3-4% लोग ही सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग और भी कुछ काम करते हैं। जब तक कुछ काम नहीं हो रहा है तो कम से कम ट्यूशंस पढ़ा लीजिए, कुछ पैसे कमा लीजिए, और आप अभी 25 साल के हो गए हैं, 30 साल के हो गए हैं, 32 साल के हो गए, अभी भी बाप मां का पैसे पर आप राज कर रहे हैं, ये गलत है। आपको अपना कमाना चाहिए, आपको काम करने चाहिए। बाइबल में लिखा है जो काम ना करे वो खाना ना खाए। यदि आप काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही घर में पड़े हैं तो आप पाप कर रहे हैं और आपके लिए नर्क खुला हुआ है। काम करना बहुत जरूरी है। क्रिश्चियंस वी मस्ट बी हार्ड वर्किंग पीपल, बी एक्टिव इन गिविंग। लिखा है कि अगर किसी को जरूरत हो तो उसे दो, बी एक्टिव इन गिविंग। हम जो है अच्छे काम करने के लिए बचाए गए हैं, वचन हमें यही सिखाता है। सो वर्क फॉर योर लिविंग। एंड द फोर्थ थिंग,
चौथा इंपॉर्टेंट और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर 29 पद में लिखा हुआ है, वर्स 29 में लिखा हुआ, क्योंकि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज encouraging वर्ड्स, उन्नति वाले शब्दों को इस्तेमाल करें। यूज encouraging वर्ड्स, डू नॉट यूज द वर्ड्स टू डिस्करेज पीपल, लोगों को हताश निराश करने वाला शब्द को आप इस्तेमाल मत कीजिए। लिखा है कि उन्नति वाले, कोई भी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही करो जो उन्नति के लिए उत्तम हो। दो चीज है, एक तो गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए, गाली मत दीजिए, आप गाली देंगे आपके बच्चे गाली देंगे, वो भी वही सीखेंगे जो आप सिखा रहे हैं। लिखा है कि उत्साह करने वाली बात, जो दूसरों के उत्साह के लिए उत्तम हो। यदि आप निराशा में है तो आपका काम है कि आप दूसरे को उत्साहित कीजिए। यदि आपको मैं सिंपल एक टिप दे रहा हूं, यदि आप निराशा में है जाइए किसी को उत्साहित कीजिए। यदि आप तंगी में है, ध्यान सुनिएगा, पैसे की जरूरत है, तंगी में है जाइए थोड़ा बहुत कुछ पैसे दूसरे को दीजिए ताकि प्रभु उसका प्रतिफल आपको दे। आलू बोइएगा तो आलू मिलेगा, प्याज बोइएगा प्याज मिलेगा, कटहल बोइएगा कटहल मिलेगा, पैसे बोइएगा पैसा मिलेगा। सिर्फ लेने लेने का आदत रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपने कभी बोया नहीं किसी के जीवन में तो आपको कौन कैसे देगा। मैं आज बहुत यात्रा करता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि जब मैं यात्रा नहीं करता था, बहुत सारे परमेश्वर के लोग आते थे, जब वो यात्रा करके मेरे घर आते थे, मेरे पिताजी जो है उन्हें पैसा देते थे, मैं भी उन्हें पैसा देता था, उनके यात्रा में मैंने इन्वेस्ट किया, इसलिए मैं यात्रा में काट रहा हूं। हालेलुया। तो जरूरी है इंकरेजिंग वर्ड्स बोलना, बहुत जरूरी है। पूरे दुनिया में लोग निराशा में पड़े हुए हैं, मुझे कई फोन कॉल्स आते हैं, लोग निराश है, क्यों नौकरी नहीं है, निराश है क्यों बिजनेस ठप हो गया, निराश है क्यों कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए, निराश है क्यों ये घटना हो गई, ये हो गए। चारों तरफ लोग जो है निराशा में है, नेगेटिव वर्ड सुनते 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 परेशान हो गए हैं, जिनसे वो आशा करते हैं कि वो उत्साह का वचन बोलेंगे, वही उनको और निराशा में ले जा रहे हैं और इतने परेशान है। बाप माँ अपने बच्चों को जो है निराशा वाली बात बोलते हैं, बच्चे जो है बाप माँ से नफरत करने लगे हैं। अब देखिए, आपका अपना खून जो है आपको पसंद नहीं करता है। कोशिश कीजिए 15 अलग अलग तस्वीर जो है आप रख लीजिए एक टेबल पे, हो सकता है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और बला 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 जितने सक्सेसफुल लोग हैं, और 16वां तस्वीर जो है अपना रख लीजिए और अपने बेटे से या बेटी से पूछिए कि आप किसके समान बनना चाहते हो। वो सबका चुन लेगा लेकिन आपका नहीं चुनेगा, क्यों? आपके समान बनना नहीं चाहता, आपका अपना खून आपके समान बनना नहीं चाहता। वो इसलिए क्योंकि आपने उनको उत्साहित दिया, आपने एक अच्छा रोल मॉडल तैयार नहीं किया, आप रोल मॉडल नहीं बने उनके सामने। हमेशा डांटना, फटकारना, पीटना, गाली देना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, दारू पीना, सिगरेट पीना, यही सब कर रहे तो आपके समान क्यों बनेगा। चुगली करना, पत्नी को डांटना पीटना, तो क्यों आप के समान बनेगा। लिखा है गंदी बातें मुंह से ना निकले, अगर मुंह से कुछ शब्द बोल रहे हो तो इंकरेजिंग वर्ड्स बोलो, दूसरे को उत्साह करने के लिए बोलो। डू नॉट स्पीक टू स्पीक द करप्ट वर्ड्स, करप्ट वर्ड्स ना बोले, उत्साह करने वाला बोले। और यदि कोई आपको कोई किसी के विषय में खराब बात बोलता है तो उसको सुनिए भी मत, बोलिए नो कमेंट। और कोई बोलता है कि नहीं हम ये ऐसा बोल रहा था, आप क्या बोलना चाहते, बोलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, नो कमेंट्स। अरे आपके विषय में लोग ऐसा बोल रहे थे, क्या बोल, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, उसका जवाब दीजिए नो कमेंट्स, ना मैं सुनना चाहता हूं लोग क्या बोल रहे थे। जब आप मुंह खोले तो दूसरे के लिए अच्छा शब्द बोलिए, उत्साह वाला शब्द बोलिए, गंदी बात भड़काने वाली बात ना बोलिए, ये आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाएगा। नेक्स्ट थिंग, अपने बिहेवियर में क्या बदलाव लाना है और जिससे हमारा रिलेशनशिप मजबूत हो जाए। नंबर 5, पुट असाइड बिटरनेस एंड फॉरगिव इच अदर।
करवाहट को जीवन से निकालिए और एक दूसरे को माफ कीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटरनेस विल किल यू, फॉरगिवनेस विल लिफ्ट अप योर स्पिरिट। करवाहट आपको नाश कर देगा, आपको पीछे रख देगा, आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा। करवाहट आपके परिवार को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको तंगी में डाल देगा, आपके जीवाणी आपके जीवन में जो है बीमारी ला देगा, कैंसर ला देगा। करवाहट बहुत सारे चीजों को नाश कर देता है, शारीरिक दुर्बलता पीड़ा देगा। लेकिन बिटरनेस से आपको हीलिंग आती है, उन्नति आती है, आशीष होते हैं। आप परमेश्वर का ये सब फॉरगिवनेस से आपको हीलिंग होती है और आशीष होती है। परमेश्वर का स्वभाव है फॉरगिवनेस, लेकिन करवाहट बिटरनेस जो है आपको और मुझे अपने जीवन से दूर करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोगों को फॉरगिव करें, माफ करें, चाहे लोग कितना बुराई करें, चाहे कितने गाली दे, हम आगे बढ़ते जाए, लोगों को माफ करते जाए। हालेलुया। टेक अवे ऑल द बिटरनेस फ्रॉम योर हार्ट। बच्चों अपने माता पिता को माफ करो, बहू अपने सास को माफ कीजिए, पत्नी अपने पति को माफ करो, पति अपने पत्नी को माफ करो, अपने मां को माफ करो, पिताजी को माफ करो। क्योंकि आप माफ नहीं कर रहे इसलिए आप उन्नति नहीं कर रहे, प्रभु आपको आशीष नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। बिहेवियर को चेंज कीजिए, अपने आचरण को बदलिए और देखिए परमेश्वर कैसे आपके जीवन में बड़ी आशीष, एक परिवर्तन लेकर आएगा। We forgive for our benefit. We do not forgive for others' benefit. हम माफ करते हैं, हम उन्नति करते हैं, हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए। वचन में क्या लिखा हुआ हम पढ़ेंगे, 30 पद से लिखा हुआ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। और 31 और 32 पद में लिखा हुआ है कुछ बातें। 31 पद में लिखा है क्या क्या बातें अपने जीवन से हटानी चाहिए और 32 पद में लिखा है क्या क्या जीवन में लेनी चाहिए। 31 पद, सब प्रकार की करवाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। सब प्रकार की करवाहट, सब निंदा, प्रकोप, क्रोध, बैर भाव, सबको हटाइए। थोड़ा थोड़ा नहीं कि इस व्यक्ति के प्रति रखेंगे, इस व्यक्ति के प्रति नहीं रखेंगे, इस व्यक्ति के प्रति रखेंगे इसके बाद नहीं, सब प्रकार का। क्यों? क्योंकि ये आपको नीचा कर देता है, ये आपको बीमार कर देता है, ये आपको गरीब रखता है, ये आपको श्रापित कर देता है, ये आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए इन सारी बातों को अपने जीवन से हटा दो। और फिर आगे लिखता है क्या क्या बात अपने जीवन में लिखनी लेनी चाहिए। 32 पद में, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। हालेलुया। क्या क्या बोला? कृपालु बनो, करुणामय बनो, और परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किए हैं, वैसे भी दूसरों के अपराध को क्षमा करो। कितना इंपॉर्टेंट है, ब्लेस दोज हु कर्स यू, प्रे फॉर देम। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें आशीष में करो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किए हैं, तुम भी दूसरे के अपराध को क्षमा करो। यीशु ने सिखाया कि जिसके अपराध ज्यादा क्षमा किए गए हैं वो भी दूसरे को क्षमा करेगा। बहुत सारे लोग क्षमा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है उनके अपराध क्षमा नहीं किए गए और वो पाप का जीवन अभी भी जी रहे हैं। मित्रों, क्षमा करने से हमें आशीष मिलता है, क्षमा करने से हमें उन्नति मिलती है। सब प्रकार के क्रोध को अपने जीवन से निकालिए, सब प्रकार के बुराई से जीवन से निकालिए, कृपालु बनिए, करुणा बने मय बनिए और दूसरों का क्षमा कीजिए। यह बात आपको उन्नति में पहुंचाएगी। मैंने आपको बताया कुछ बातें जो आपके बिहेवियर को चेंज करेगा। ये समय है दूसरे के जीवन को नहीं देखे, अपने जीवन को देखिए कि मेरे जीवन में किन बातों के बदलाव होने चाहिए। यदि आपने इस वचन को समझा है तो आज निर्णय लीजिए कि मैं अपने बिहेवियर को चेंज करूंगा
ताकि हमारा रिलेशनशिप परिवार में, कलीसिया में, समाज में मजबूत हो। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ सारे व्यूअर्स के लिए, जैसे उन्होंने पिता परमेश्वर वचन को सुना है, उन्हें दे हम सब अपने जीवन को देखें और अपने जीवन में जो भी बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, प्रभु यीशु मसीह हमें मौका दे, हमें बताए, पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि हम आपको शोकित ना करें लेकिन आपसे सीखें, और लोगों को क्षमा करते हुए कड़वाहट को अपने जीवन से निकाल कर खुदाओं हम आगे बढ़े, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें, ताकि हमारा जीवन जो है, हमारा रिश्ता जो है और भी अच्छा होते जाए, हम इंजॉय कर सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।